जे मैं अपनी गल करा बस बस ये तुसी कनेडा तो आ गए साडे बच्चे साइंस पण मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया जो 1000 का वादा किया अपने आप मैनू अपने आप की तुसी खुशी महसूस होती है कि मैं ऐसी ए बीच केजरीवाल साहब पी रहे ने एदा तुसी झाड़ देखा जे 6 महीने बाद जेडे शहीद होए नैणा दे विच नैण डबो के जे ना कदम मिलावांगे जंगल दे विच अपने आप लभदे ही गुम जावांगे। पंजाब च जंगल दा राज है। नैणा दे विच नैण डबो के जे ना कदम मिलावांगे जंगल दे विच अपने आप लभदे ही गुम जावांगे। धरती चन्न आकाश ने खानी दोस्तों बहुत दूर जाना है अपना धरती चन्न आकाश ने खानी फतेहगढ़ साहब के साथी ने बहुत ही झाड़ू झाड़ू जिंदाबाद झाड़ू जिंदाबाद कसम खुदी कर रहे हैं जदों गरीबों के बीच जाइए उत्थे रातां कटिए उत्थे पता लगता है कि गरीब को मच्छर लड़ता है। गरीब के कोल सौन की चंगी चारपाई नहीं है उसके कोल पखा नहीं है उसका बच्चा नंगा सुता होया उसे स्कूल जाने वास्ते चंगी किताबें नहीं मिलती है यूनिफॉर्म नहीं मिलती पढ़ने का वातावरण नहीं मिलता। सो वीरो एक प्रैक्टिकल इंसान है जिसे इंसानियत के नाल हमदर्दी है अज तुहाडे विच आए हैं जो इन्होंने दिल्ली में किया है जे उन्होंने सारिया चीजों का जिक्र करिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। कभी तुहाडी बात फड़ी सी तुहाडे वास्ते आरा नारा मारिया सी सो मेरी तुहाडे चरणों च बेनती है तकड़े होके दलित वीरो सारिया बरादरियां नूं बेनती करदा एक बार उठ लो असीं हर धर्म का सत्कार करांगे जिन्ना मेरे मन में गुरुद्वारे का सत्कार है ओना मंदरदा साडे बच्चों वो माहौल ही नहीं दिंदे जिहड़ा माहौल अफसर बनाउंदा है। मैं कहना अज खन्ने धरती तो आ थोड़े आल वाले पिंडां चो दो हजार मुंडे आपां टेस्ट कर लैने आ दो हजार बच्चे लै लैने आ जिहड़े चौथी चो फस्ट आए ने जां पंजवीं चो फस्ट आए ने सरकारी स्कूल चो लो जी दाखला दवाओ उत्थे जिथे राहुल गांधी पढ़िया दाखला दवाओ उत्थे जिथे मजीठिए होरी पढ़े ने दाखला दवाओ उत्थे जिथे सुखबीर बादल पढ़िया दो साल वास्ते फीस माफ कर दो वो तो बाद रिजल्ट देख लियो फर्स्ट कौन आऊगा फर्स्ट वो नहीं आते होंगे वीरो जेड़े सोने के चमचे मूंह लेके जम गए फर्स्ट साढ़े पांच दिन मंजे वाले आगे पर करिए की सब मौका कदे पिंड च गए ही नहीं कदे बेड़े च बड़े ही नहीं कदे खच्चर जेड़ा तो देखे ही नहीं ते की होंदा किवें जुड़दा जोत लगदी है जां की लगदी है ना पता ही नहीं। हेलीकॉप्टरां चो हेलीकॉप्टरां चो गरीब दे चुल्ले दी अग नजर नहीं आ सकदी सुखबीर बादल जी धरती ते आओ धरती ते आओ जे नहीं आउंदे तो कोई गल नहीं 6 महीने ठहर जाओ 2017 च हेलीकॉप्टर दी चाबियां जनता कोल ही ने थल्लेदा ने ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਆਣੀ ਅਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 2017 ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚ ਗਈ ਅੱਜ ਆਪ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਆਇਓ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਇਤਨਾ ਸਮੇਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ बस के पैसे दे के यहाँ पे आई है। वो इसलिए क्योंकि आज पूरे पंजाब की जनता बादलों और भाजपा की सरकार से इतनी परेशान हो चुकी है कि अब जनता यहाँ पे इनकी सरकार बदलना चाहती है। चारों तरफ इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। एक तरफ लोग इनकी सरकार बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ लोगों को आम आदमी पार्टी के अंदर उम्मीद नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को बचा सकती है। समाज को शोषण किया गया, दलित समाज गरीबी में रहा,
लेकिन दुख की बात यह है कि आज आजादी को 70 साल हो गए। देश के अंदर हर तबके ने प्रगति करी, लेकिन दलित समाज बेचारा वही का वही खड़ा है जहां 1947 के अंदर खड़ा हुआ था। दलित समाज की प्रगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो व्यवस्था अंग्रेजों के समय में थी और जो मानसिकता अंग्रेजों के समय में थी, वही व्यवस्था आज भी है, वही मानसिकता आज भी है। आज 70 साल के बाद आजादी के बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वो सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। हम लोग बाबा साहब अंबेडकर की क्यों इज्जत करते हैं? बाबा साहब अंबेडकर ने खुद शोषण का शिकार हुए, खुद छुआछूत का शिकार हुए, उन्होंने खुद अन्याय भुगता और अपने जीवन के अंदर संघर्ष करके उन्होंने लंदन और अमेरिका के अंदर शिक्षा ली और वापस आके इस देश के अंदर जितने दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज बन के बाबा साहब अंबेडकर ने आवाज उठाई। दोस्तों, उन्होंने देश का सबसे, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान बनाया। और मुझे पूरा यकीन है आज अगर दलित समाज हमारे देश के अंदर जिंदा है तो वो केवल और केवल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से जिंदा है, नहीं तो इन लोगों ने तो दलित समाज की ऐसी तैसी करनी होती है। आज 70 साल के बाद रोहित वेमुला जैसे दलित समाज के एक लड़के को आत्महत्या करनी पड़ती है। कौन है रोहित वेमुला? रोहित वेमुला दलित समाज का एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फर्स्ट आया करता था, बहुत होनहार लड़का था, पीएचडी कर रहा था। उसने एक गलती कर दी। उसने बेचारे ने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक संस्था बना ली, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रचार करना चालू कर दिया, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर सेमिनार करना चालू कर दिया। ये केंद्र के अंदर बैठी भाजपा सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी अकाली दल, ये लोग बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करते हैं। ये दोनों पार्टियां दलित विरोधी पार्टी हैं। मेरे को जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे मैं अपनी माँ को पैसे भेजता हूँ। अगर आपने मेरे को सस्पेंड कर दिया, मेरी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। आप मुझे सस्पेंड मत करो, नहीं तो हमारे घर के अंदर चूल्हा भी नहीं जलेगा। लेकिन स्मृति ईरानी का और केंद्रीय मंत्री का इतना दबाव था, वाइस चांसलर नहीं माना और अंत में रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। दोस्तों, अगर आज 70 साल के बाद आजादी के एक दलित लड़के को, रोहित वेमुला को इस देश के अंदर आत्महत्या करनी पड़ती है, तो लानत है ऐसी केंद्र सरकार के ऊपर, लानत है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लानत है उनके सहयोगी अकाली दल के ऊपर। गांव-गांव के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। अबोहर में गए, अबोहर में पता चला एक दलित लड़का एक अकालियों नेता के यहाँ पे नौकरी किया करता था। उस लड़के ने बेचारे ने अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा बचा के एक ढाबा खोल लिया और उसने नौकरी छोड़ दी। अकाली नेता ने बुलाया, उसको बोला अपना ढाबा बंद कर, तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्या उनको बर्दाश्त नहीं होता अकालियों के बाद को कि एक दलित लड़का हमारे बराबर खड़ा हो रहा है? वो चाहते हैं कि हमारी केवल नौकरी करता रहे। वो लड़का नहीं माना तो उस अकाली नेता ने और उसके आदमियों ने उस लड़के के हाथ पैर काट दिए और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, लुधियाना के अंदर दो लड़के आम आदमी पार्टी का काम कर रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे दलित लड़के, उन दोनों की हत्या करा दी गई। जिस गांव में मैं जाता हूं वहां पता चलता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर बादलों की सरकार ने अत्याचार कर रखा है। दोस्तों, आज मैं बादलों को कहना चाहता हूं, 5 महीने 6 महीने रह गया बस, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एसआईटी बनाएंगे और जितने दलितों के खिलाफ मामले हुए पिछले कुछ सालों में बादलों ने अत्याचार किए हैं, सारे मामलों के ऊपर न्याय दिलवाएंगे और उनको जेल भेजेंगे जिन्होंने अत्याचार किया। इस बार देखना है पंजाब की जनता जीतेगी और ये तीनों पार्टियां हारेगी। दोस्तों, बोलो सोनिहार। सर,
साड़ी समुची टीम अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही नीचे रिपेट करूगी। गुरपाल सिंह नाम है जी, सा जगीर।